हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर हूँ। केयर टू साइंस पर हम सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं पृथ्वी का, वो जी यानी एक तो वस्तु के द्रव्यमान या भार पे निर्भर नहीं करता। पहले तो इसको सिद्ध करेंगे, फिर ये देखेंगे इससे प्रति क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, जो कि हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए उसमें बात करेंगे। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि एक चिट्ठी और एक पत्थर को हम किसी छत से नीचे गिराते हैं तो पहले कौन पहुंचेगा और पहले कौन नहीं पहुंचेगा, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों का आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, जिस पे ज़्यादा होगा किस पे क्या होगा वो देखेंगे, है ना। तो हम पहले ये देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। मान लो ये हमारा धरातल है यहाँ पर, और मान लो ये है मारकर, इसको मैं गिरा रहा हूँ ऐसे, तो इसमें जो प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन हो रहा है या बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको किससे निरूपित करेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को जी से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब मान लो माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ए तथा वस्तु का द्रव्यमान एम ए तथा इन दोनों के बीच की दूरी आ रही है, ठीक है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल है मान लिया, और इन दोनों बीच की दूरी क्या हो गई? मान लो ये तो पृथ्वी हो गई, इसका द्रव्यमान एम ई, ये वस्तु हो गई, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी आ रही मान ली। अब क्या इन जो पृथ्वी की दवा आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या लगेगा? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F=g दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बट्टा उनके बीच की दूरी का वर्ग। यही तो पढ़ा था हमने, तो इसको समीकरण एक दी। अब क्या हुआ? बल एप के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, यानी ये बल लगता है तो इसके कारण क्या वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बल एप के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के F=ma या त्वरण के यहाँ जी, तो यहाँ F=mg, ये समीकरण दो, ये भी बल है ये भी बल है, दोनों का हम बराबर कर लेंगे तो कर दूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड जी, ठीक है दोस्तों करेंगे हम। तो gme कैपिटल M R² और फिर क्या हो गया? यह mg, ठीक है। अब जो करता है उसको काट देंगे, यह वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान से कैंसिल हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण आ गया। अब इसको देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो यहाँ पहले यहाँ से नोट करोगे आप, फिर ये डायग्राम ये बनाओगे प्रैक्टिकली, और फिर इसको नोट करोगे, फिर ये बना के, फिर ये क्वेश्चन, यहाँ तक करने के बाद में क्या करोगे आप?
अब ये फॉर्मूला फाइनल क्या निकला, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, यही तो निकला। निकल के आ गया। अब क्या गुरुत्व त्वरण जी वस्तु का द्रव्यमान यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो पहले, नहीं दे रहा तो हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण मान लो 3 दे दिया, समीकरण 3 से, ये क्या गुरुत्व त्वरण का सूत्र है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण वस्तु के द्रव्यमान या भार पर निर्भर नहीं करता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण त्वरण वस्तु के बाहर बाहर या द्रव्यमान बाहर पर निर्भर नहीं करता है, यानी पृथ्वी का निर्भर नहीं करता, अतः यदि समान ऊंचाई से अलग अलग पिंड गिराए जाएं तो वो पिंड अलग अलग भार के अलग अलग पिंड समान ऊंचाई से गिराए जाएं तो वो पिंड क्या होंगे, समान समय अंतराल में पृथ्वी पर समान रूप से एक साथ पहुंचेंगे। अगर समान अलग अलग पिंड हैं, अलग अलग द्रव्यमान अलग अलग भार के हैं, अगर उनको किसी ऊंचाई से गिराए जाएंगे तो वो पृथ्वी पर है ना, एक साथ गिरा रहे हैं तो वो पृथ्वी पर एक साथ आएंगे क्योंकि गुरुत्व त्वरण सब पर समान लगेगा। ठीक है, जब क्या होगा, वायु का घर्षण बल का मान नगण्य हो, यानी घर्षण बल ना हो। अब इतना तो आपने पढ़ लिया दोस्तों, तो वो चींटी पत्थर गिराएगा तो वो क्या एक साथ आएंगे। ठीक है, अब वायु की उपस्थिति में क्या होगा, वायु वायु की उपस्थिति में बाहरी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, यानी वायु की उपस्थिति में वायु की प्रेजेंट में वायु की उपस्थिति में बाहरी पिंड पिंड पृथ्वी सतह पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, यानी वायु की उपस्थिति में कोई बाहरी पिंड हम पृथ्वी पर गिराते हैं तो पहले बाहरी पिंड पहले पहुंचेगा और हल्का पिंड बाद में पहुंचेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में यह देगा कि वायुमंडल की उपस्थिति में जब चिट्ठी और पत्थर को गिराएंगे तो पहले कौन पहुंचेगा, तब क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से पकड़नी है आपको। ठीक है, अब क्या हुआ, यदि लकड़ी मोम लोहे के समान आकार के टुकड़े कड़े समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो आदर्श स्थिति में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि इन सभी पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है ना। अब बात करेंगे बॉल पेन की, बॉल पेन, यह बॉल पेन क्या काम करता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, यानी सिद्धांत पर कार्य करेगा। गुरुत्वीय बल के सिद्धांत सिद्धांत पर कार्य करता है ना। एक बॉल पेन होता है, बॉल पेन है ना, ये बॉल पेन किस प्रकार का होता है, जैसे हम देखते हैं रिफल, आजकल जो रिफल आती है ना,
उसको बॉल पेन बोलते हैं। जबकि पहले के ज़माने में क्या क्या चलता था, वो सही डालते थे और उसमें एक निप आती थी। वो क्या उस एग्जाम्पल पर जाएंगे, उस पेन पे जाएंगे तो वो केस न लिखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केस न लिखा। जबकि ये क्या बॉल पेन वाला गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना पेन में। अब इसमें जो गोंद डाला जाता है पीछे की तरफ आप देखते हो, वो क्या अधिक श्यानता का डाला जाता है। अब जैसे जैसे इस पेन उस पेन को हम पेपर पे चलाते हैं, कागज़ पे चलाते हैं, तो वो क्या क्या गति करेगा, गति करेगा तो वो सही आगे आएगी और कागज़ पर कार्य करने लग जाएगी। तो आपको यह ध्यान में, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति। पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव, गुरुत्वीय बल, इसलिए गुरुत्वीय बल बल के प्रभाव, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति, में वस्तु की गति। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, यहाँ क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में यदि एक शेर छोड़ दिया जाए या कोई वस्तु छूट जाए, तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से अंतरिक्ष यान के साथ साथ वह वस्तु उस गति से गतिमान करेगी। कहने का मतलब है, हम स्पेस स्टेशन पे चले जाएं या अंतरिक्ष में चले जाएं, और वहाँ मान लो गलती से हम सेब खा रहे थे और हमारे हाथ से छूट गई, तो वो सेब किस प्रकार से गति करेगी, जिस प्रकार से ग्रह गति करेंगे उसी वेग में वो सेब भी गति करने लग जाएगी। यह है, अब पैराशूट होता है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है, जबकि एक पत्थर को गिराते हैं वो तेजी पे से पृथ्वी पर आ जाता है। कारण क्या है, पैराशूट होता है, पैराशूट जो जो हम क्या उड़ाते हैं वायुयान, तो उसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो वहाँ से क्या कूदने के लिए, सुरक्षा के लिए पैराशूट लगा के कूदते हैं और वो खुल जाते हैं, जिससे कि आसानी से हमारी जान बच जाए और सुरक्षित हम नीचे आ जाएं। तो इसमें क्या पैराशूटों में क्या होता है दोस्तों, वो देखना कि पैराशूट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, पैराशूट का क्या क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा पत्थर का, मान लो एक पत्थर फेंक दे, पत्थर का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल कम है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा उसका प्रेशर कम, उस पर यानी जिस व्यक्ति का क्षेत्रफल ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो उस पर प्रेशर कम होगा और बल ज़्यादा होगा। अब क्या है, उसी प्रकार से इस पत्थर का क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर इस पर ज़्यादा लगेगा, तो पत्थर पहले आ जाएगा और पैराशूट बाद में। तो इसमें थ्योरी में क्या दे रखा है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। यदि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह तेजी से नीचे आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, वही है, वायु का प्रतिरोध क्या है, वायु का प्रतिरोध। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है, तो इस पे क्या वायु का प्रतिरोध किस पे कम लगेगा, किस पे ज्यादा है, इस पे क्या
तेजी से आएगा तो पथ, तो इस पे तो क्या वायु का प्रतिरोध अधिक लग जाएगा, इस पे कम लगेगा, तो ये आसानी से नीचे आ जाएगा। तो ये थे आपका क्या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें सबसे मोटे मोटी चीज यही ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आपको गहराई से पूछेगा वो देखना। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी, ठीक है। ये एक तो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। हमने निकाल भी लिया जी इक्वल टू के पढ़ लीजिए, ये गुरु सावित्रिक नेता एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। एक बात तो ये, अब क्या भार पे निर्भर करना, आसानी से जो वस्तु समान भार की अलग अलग भार की वस्तु एक साथ गिराती है तो एक साथ पहुंचेगी, है ना। एक ये बॉल पेन, बॉल पेन ये इसी से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किस पे निर्भर नहीं करता, वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, और ये गुरुत्वीय बल। अब वो बॉल माउंटेन पेन होता है माउंटेन पेन, तो वो क्या स्टेशनरी पे चला जाए, तो ये बॉल पेन वाला ध्यान में रखना आपको, क्योंकि कन्फ्यूज यहीं होंगे होंगे आप। तो ये था इसका एम टी आर, और वो पत्थर आएंगे वो ऐसे आएंगे वो क्षेत्रफल से संबंधित, और उसमें वायुमंडल का प्रतिरोध एवं दाब से संबंधित क्वेश्चन चला जाएगा जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे, द्रव्यमान भार, फिर हम क्या पढ़ेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या मास, फिर पढ़ेंगे भार, इसको क्या बोलते हैं वेट, वेट यानी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये होता है भार, ठीक है। न्यूमेरिकल में जी का मान क्या लेंगे, लगभग 10 ले लेंगे ना, मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण तो यही इसका रह जाएगा, है ना, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या त्वरण कहते हैं, तो वहाँ आ जाए। तो ये हम आगे बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।